हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुरेंद्र कुमार हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं जिस जगह आया हूं वो जगह जानी जाती है लोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। जी हां, ये जगह है शेखावाटी का दूसरा बड़ा मंदिर इच्छा पूर्ण बालाजी मंदिर, जो सरदारसर से 8 किलोमीटर दूर रतनगढ़ हाईवे पर पड़ता है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में बात करें तो इस मंदिर की स्थापना 16 फरवरी 2005 को बसंत पंचमी के दिन हुई थी। इस मंदिर की स्थापना का श्रेय मूलचंद मालू को जाता है। मंदिर के मेन गेट के आगे दोनों तरफ हाथी की दो बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का मुख्य द्वार भी बहुत शानदार बना हुआ है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ पत्थर से शेर की दो मूर्तियां भी बनी हुई है। जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर स्वर्गीय सोहनलाल जी मालू की प्रतिमा है, जो चारों तरफ से शीशे में बंद है। इस मंदिर का निर्माण पश्चिमी बंगाल के कारीगरों द्वारा द्रविड़ शैली में करवाया गया है। इस मंदिर का पूरा निर्माण पत्थरों से किया गया है, कहीं पर भी आपको ईंटें देखने को नहीं मिलेंगी। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जितने दिन चला था उतने दिन यहां पर एक वानर रहता था, जो मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण होते ही यहां से चला गया था, जिससे लोगों की भावना इस मंदिर से और ज्यादा जुड़ी हुई है। ज्यादातर मंदिरों में आपने देखा होगा कि हनुमान जी खड़ी मुद्रा में या फिर राम जी की सेवा में रहते हैं, परंतु इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में हनुमान जी राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान हैं। मंदिर की उत्तर दिशा में गार्डन बना हुआ है, जहां आप विश्राम कर सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही आपको कैंटीन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप कम खर्चे में स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। मंदिर की बाहर की तरफ आपको बहुत सी दुकानें देखने को मिलेंगी, जिस पर आपको बहुत सी वैरायटी के आचार मिल जाएंगे। आचार के साथ इन दुकानों पर और भी बहुत सामान देखने को मिल जाएगा, जहां से आप खिलौने वगैरह भी खरीद सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। वो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा।